चलो कपड़े धो, चलो चलो धो कपड़े, कपड़े धो, कपड़े धो। और आज ये हमारा बेटा, हमारा लालू प्रसाद सारे कपड़े धोके रहेगा। ये देखिए सारे कपड़े धो दिए आज इसने, मेरे बेटे ने। ये देखो इससे झाड़ू लगवा लो, बर्तन धुलवा लो, और थक गया है अब ये। हेलो एवरीवन, और अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और मैंने सुबह ही मशीन लगा ली है। और बाहर शेड है ना, तो काफ़ी गर्मी हो जाती है अगर दिन में मशीन लगाओ तो। मैं सुबह सुबह ही ट्राई करती हूँ लगा लूँ। और आज तो मेरा बेटा भी साथ में कपड़े धुलवा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आप लोग सब कैसे हैं? और देखिए यहाँ मुझे दाना आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे रात को दवाई लगाई है, और काफ़ी दर्द हो रहा था इसके अंदर, तभी मैंने यहाँ पे फिर दवाई लगा ली। और अभी मैंने नहाया नहीं है, तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर नहा लूँगी। और आज मैंने बेडशीट भी धो दी थी। और वैसे तो हमारा जो खाना पीना है वो नीचे ही होता है, ज़्यादातर हम लोग नीचे ही खा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं खाना ऊपर ले आती हूँ तो कभी विवान गिरा देता है। और छोटे बच्चे के साथ तो हर 2-3 दिन में बेडशीट को धो देना चाहिए, वैसे तो डेली ही बदलनी चाहिए, बट मैं डेली तो नहीं बदलती। और मैं साइडों से ना बेडशीट को दबा देती हूँ गद्दे से, जिससे अगर हम लोग उस पर बैठेंगे तो ये फिर इकट्ठी नहीं होगी। और मैंने सॉफ्ट टॉयज भी रख दिए उसके। अब जो पिलो है मैं उस पर कवर चढ़ा देती हूँ, और उसका ब्रेकफास्ट मम्मी बना लेंगे। तो फिर चलिए मैं कपड़े धो लेती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। और बस कपड़े भी धुल गए, बाहर मैंने डाल दिए, लेकिन बाहर का मौसम आज ऐसा लग रहा है तेज से बारिश आएगी, तो चलो जब तक बाहर हैं अगर बारिश आ जाएगी तो उतारने पड़ेंगे फटाफट से। और लड्डू भी सो गया था, आज लड्डू को मम्मी ने ही नहला दिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता, और बैंगन मम्मी ने सुबह ही भून दिए थे। तो मैंने अब यहाँ पे रख दी है कढ़ाई, और उसके अंदर मैं डाल देती हूँ तेल। और फिर जब ये तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमें डालना है जीरा और हींग। और बैंगन को मैं जो ग्लास का पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उससे मैश कर लेती हूँ। मेरे पास अभी पोटैटो मैशर नहीं है, मुझे वो लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे बैंगन भी मैश कर लिया है। 1/2 kg बैंगन है, तो यहाँ पे 5 बड़े प्याज मम्मी ने काट दिए थे, और साथ में 4 बड़ी मिर्च काटी हैं जो हरी मिर्च होती हैं। और बैंगन के भरते में हरी मिर्च तो बहुत ही अच्छी लगती है, मैं लाल मिर्च नहीं डालती इसके अंदर। मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो मैं ऐसे एक आगे कपड़ा बिछा लेती हूँ, जिससे जो हमारी स्लैब होती है ना वो गंदी नहीं होगी। और फिर तेल भी हो चुका है, तो इसके अंदर अब हम डाल देते हैं जीरा और साथ में डाल देते हैं हींग। और जब दोनों थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर हमें डालने हैं प्याज, और प्याज को भी हम थोड़ा फ्राई होने देते हैं। प्याज को हमें कच्चा कच्चा ही रखना है, मैं ज़्यादा भरते में प्याज को नहीं गलाती हूँ, और भरते में कच्चा कच्चा प्याज ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब आप देख सकते हैं सारी हरी मिर्च भी ऊपर आ गई है। एक तरफ प्याज थोड़ा सा गल जाएगा, तो इतने में मैं बना देती हूँ लड्डू के लिए उसका लंच। और लंच में आज बनाने वाली हूँ मैं उसके लिए खिचड़ी। और यहाँ पे चावल सुबह ही भिगो दिया था, और छोटे बच्चों के लिए जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं तो हमें चावल सुबह मतलब 3 से 4 घंटे पहले ही भिगो देना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। दाल भी डाल दी, और एक तरफ मैंने रख दिया है कुकर। प्याज भी हो चुके हैं, तो अब मैंने ये टमाटर है, टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया, तो वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और दोनों को मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसे भी। और एक तरफ उसका भी खाना बन रहा है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने डाला था घी, फिर उसके अंदर डाल दिया जीरा और हींग और दाल चावल, थोड़ा सा उसको भून लिया, फिर मैंने डाला है नमक, हल्दी और काली मिर्च। और मैं उसका खाना हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। और फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, और अब मैं इसको सीटी लगवा दूँगी। टमाटर प्याज भी अच्छे से हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर डालते हैं मसाले। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है 3 चम्मच सूखा धनिया, इसमें सूखा धनिया काफ़ी अच्छा लगता है, ये पाउडर फॉर्म में है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और फिर हम डालते हैं काली मिर्च, और इसे हम फ्राई कर देंगे। और मैं इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डालूंगी, बिकॉज़ मैंने इसके अंदर
काफ़ी सारी हरी मिर्च डाली है तो उसी से ये तीखा हो जाएगा और टेस्टी बनेगा। और जब मसाले हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच देगी मिर्च, और देगी मिर्च से हमारा जो भरते का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें सारे मसालों को अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ऐसे फ्राई करना है जिससे इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाएगा। और मैं भरते में कभी भी हल्दी नहीं डालती हूँ, आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और जब ये सारा कम्प्लीटली फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, उसे भी अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपना बैंगन जिसे हमने मैश करके रखा हुआ था, और उसे हम मिक्स कर लेते हैं। और जब ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और जब ये कम्प्लीटली बन जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच देसी घी, और वो भी मैंने डाल दिया है। और बस हमारी सब्जी बनके तैयार है, और एक तरफ उसकी खिचड़ी भी बन चुकी है, तो अब वो जाग भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। बस फुलके बनाने हैं दोपहर के लिए, और अभी तो टाइम सिर्फ 12:30 ही हुआ है, और ये थोड़े से बर्तन है तो अब ये भी कर लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं नहीं दे रही। खा लिया। और हमारा लड्डू जाग गया था तो अब ये खा रहा है एप्पल, और एप्पल को मैंने कद्दूकस कर दिया था, अभी ये खा नहीं पाता, फंसा लेता है, तो मैं इसे फिर थोड़ा सा कद्दूकस कर देती हूँ, फिर खा लेता है आराम से। और एप्पल कसते कसते काला पड़ जाता है, तो देखिए कैसे काला हो गया उस कटोरी में। और मैं तो इतनी लकी हूँ कि मेरे घर में मेरी सासू माँ हैं, और मम्मी ना हो ना तो पता नहीं मेरा क्या हो, मैं इसको तो भाई संभाल ही नहीं पाऊँगी। और मम्मी मुझे इतना सपोर्ट कर देते हैं काम करने में भी, चॉपिंग करना है, आटा गूंदना है, और इसको भी काफ़ी हद तक संभाल ही लेती हैं मम्मी भी। और थैंक यू मम्मी जी इतना सपोर्ट करने के लिए। कहते हैं ना हमारे घर में बड़ा का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं भाई, घर के बड़े घर में होते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ क्या चाहिए, क्या पड़ा हुआ है उधर, क्या है वहाँ पे, निकाल लो, जाओ जाओ निकालो, क्या पड़ा है, पैर हटाओ इधर से, पैर हटाओ, क्या चीज है, मतलब मुंह से। और आज इसे मैंने डाला है इसकी आंखों में सुरमा, और जब ये छोटा था तो मैं इसे बहुत डालती थी, और फिर 7-8 महीने के बाद मैंने बंद कर दी, और आज फिर डाला है तो ये कैसा लड़की सा लग रहा है, और देखिए मुझे कैसे आंखें दिखा रहा है अपनी। और बेड के नीचे अपने ये शूज ढूंढ रहा है, इसे बाहर जाना है, बट अभी बाहर नहीं भेजना है इसे, क्योंकि अभी तो दोपहर हो रही है, शाम को जाएगा अपनी साइकिल पे। तो फिर चलिए आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक जरूर पहुँचे। तो फिर चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।